नमस्कार किसान साथियों, सिजेंटा NK5251 धान की हाइब्रिड वैरायटी। साथियों, NK5251 धान की एक अधिक पैदावार देने वाली हाइब्रिड वैरायटी है। ये कम अवधि में एवं कम पानी में भी अधिक पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। ये वैरायटी लगभग 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। इसके पौधों की लंबाई लगभग 105 से 115 सेंटीमीटर के आसपास देखने में मिलती हैं। साथियों, ये एक बोनी किस्म होने के कारण इसके पौधे हवा के द्वारा नीचे नहीं गिरते हैं। इसके पौधों से लगभग 18 से 20 कल्ले फूटते हुए देखे जा सकते हैं। साथियों, अधिक कल्ले निकलने से प्रत्येक पौधे में बालियां भी अधिक निकलती हैं। बालियां गुच्छों में और लंबी होती हैं। प्रत्येक बाली में लगभग 300 से 350 दाने देखने में मिल सकते हैं। साथियों, दानों में स्वाद बढ़िया और खुशबू अच्छी होती है। तो चिपचिपाहट रहित चावल सूखा सहन करने की क्षमता अधिक होती है इस वैरायटी में। साथ ही किसान साथियों, ये किस्म बैक्टीरियल ब्लाइट रोग के प्रति भी अवरोधी गुण प्रकट करती हैं। साथियों, ये किस्म लवणीय सारे मिट्टी में भी इसका उपयोग बुआई की जा सकती है। साथियों, ये किस्म रस चूसने वाले कीटों के प्रति भी अवरोधी गुण प्रकट करती हैं। इस प्रकार साथियों, ये वैरायटी रोगों और कीटों से लड़ने की क्षमता अच्छी रखती है। इस कारण साथियों, आप इसका भी अपने खेतों में चयन कर सकते हैं और साथियों धान की पैदावार ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।